आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर अगेन माशाल्लाह नंबर वन हाँ। तो आपसे थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं इजाज़त है? ठीक okay. है यहाँ पर देखिए फॉर अचीविंग 95.2 परसेंट यानी 95

को करते हुए देखा है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में शायद ही किसी वजीर ने पहले किया हो बिस्मिल्लाहिर रहमान अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आज तारीख है 10 फरवरी और दिन है जुमेरात का वजीर आजम इमरान खान ने अपने टॉप 10 खिलाड़ियों का आज ऐलान कर दिया मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा किसी वज़ी अजम ने अपने ही वजीरों के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किया ये माहिदा दो सालों का था यानी 2021 और 2022 हज़ार बाईस में आ, कौन कौन से वजीर बेहतर कारदगी दिखाएंगे? वज़ीरों ने ख़ुद दस्तखत करके कुछ अहदाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजे थे कि हम ये 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 टारगेट्स मुकर वक्त में मुकम्मल करेंगे तो आज ऐसे वज़ी जिन्होंने 90 परसेंट या मोर दैन नाइन्टी परसेंट अपनी को बेहतर बनाया या अपने टारगेट्स को मुकम्मल किया उनको आज प्राइम मिनिस्टर ने अवॉर्ड दिए उन अवार्ड्स में क्या लिखा गया है वो मैं आपको एक्सक्लूसिव मनाजर अभी दिखाऊंगा वजी के दस्तखत के साथ ये अवार्ड जारी किया गया तो मुराद सही साहब की वजारत एक बार फिर नंबर वन पर रैंक कर गई है यानी पहली भी कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी वजारत को नंबर वन पर खड़ा किया और मैं वक्ता फ़वकाता आपको बताते भी रहता हूँ आज एक बार फिर उनकी वजारत नंबर वन पर है तो मुराद सही साहब ने ये कमाल कैसे किया मज़ीद उनके पाइप लाइन में क्या कुछ है तो उनके दफ्तर पहुँच चुके हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनको जो एवॉर्ड मिला है वो भी मैं आज आपको दिखाऊँगा तो जनाब ये रहा वफाकी वज़ी मुराद सही साहब का दफ़्तर आइए उनसे बात करते हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर अगेन माशाल्लाह नंबर वन पे हा? तो आपसे थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं इजाज़त है ठीक है तो इस वक्त आप मेरे हाथ में ये जो अवार्ड देख रहे हैं ये वो अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानब से आज टॉप टेन वजरा को दिया गया है ये अवार्ड है विफाकी वजीर मुराद सईद का और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया ऊपर आप देख सकते हैं लिखा गया है रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट 2021 से 23 यानी दो साल तक का ये एग्रीमेंट था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानब से वजरा के साथ किया गया उसके नतीजे में ये अवार्ड क्यों दिया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखिए फॉर अचीविंग नाइन्टी यानी नाइन्टी परसेंट से भी ज़्यादा अपने टारगेट्स को और अहदाफ को इस मिनिस्ट्री में हासिल किया गया है पहले तो एक मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लेकिन अब पोस्टल की मिनिस्ट्री भी चूंकि इसमें ज़म हो गई तो वो जो एनएचए का प्रॉफ़िट और पोस्टल का खसारा ख़त्म करना ये सारा कुछ मिल मिला के इस मिनिस्ट्री ने कमाल किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिग्नेचर भी हैं और सिग्नेचर के साथ ये अवार्ड जो है मुराद सईद साहब को दिया गया तो मुराद सईद साहब भी यहीं पर हैं उनसे थोड़ी बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक कैसे ये पॉसिबल हुआ एक बार फिर बड़ा ज़बरदस्त काम आपने किया आपकी मिनिस्ट्री टॉप टेन में क्या बल्कि नंबर वन पर रैंक किया आपको लग रहा था कि नंबर वन पर रैंक करेंगे या था कि कहीं आगे पीछे हो सकता है मामला देखिए बसमान शुक्रिया कादिर सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हमें दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से और जो कौम नेतमाद किया प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर तो उसके बाद हम अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो बड़ा काज है नए पाकिस्तान का जो ख्वाब है तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले नंबर पे या बाद में ये ये मैटर नहीं करता आप अपने काज के साथ सेंसरिटी के साथ कितनी लायरिटी के साथ आप उसके लिए काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो हम उसमें पिछले तीन सवा तीन साल में जितने टारगेट्स थे हमारे वो अल्लाह का शुक्र है हमने अचीव कर दिए और आज खास तौर पर मैं अपनी पूरी टीम को जो मौजूदा टीम है और इससे पहले जितने इदारों के सरबराहान ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को हेड किया उनको उनकी पूरी टीम को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ साथ में चूंकि हमारा एन एच एक ऐसा ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें आपको प्लानिंग मिनिस्टर जिस तरह उसद उमर साहब है और शोकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर की की भी ज़रूरत होती है तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है आज तक इस वजारत में मैं चंद कादिर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एन एच ए की आमदन में एक सौ आठ अरब रुपए का इजाफा हो चुका है जो एक सौ फीसद ज्यादा बनता है पिछली हुकूमत के सवा तीन साल अगर हम देखें फिर इसके साथ साथ यहाँ पे शफाफियत के लिए हम मुल्क का सबसे बड़ा और पहला इदारा है जो कि ई प्रोक्रमेंट पे जा चुका है शफाफियत के लिए भी और उस पर आपने देखा कि जो सड़क नवाज शरीफ के दौर में जो ये वजारत वो अपने पास रखते थे इकतालीस करोड़ फी किलोमीटर पर चारों सड़क बनती थी वो आज अल्लाह का शुक्र है सत्रह करोड़ फी किलोमीटर मतलब चौबीस करोड़ फी किलोमीटर आज सस्ता बन रहा है इस तरह हमारा पहले मोटरबैक जो हमने आगाज किया वह दस करोड़ फी किलोमीटर सस्ता वह भी बनने जा रहे हैं इस तरह पिछड़े हुकूमत के साथ अगर हम काम का मुआजना करें तो पहले सवा तीन सालों में साढ़े तीन सालों में उनके नौ सौ सतासी किलोमीटर की सड़कें बनी थी मौजूदा दौर में दो हज़ार बत्तीस किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और सात हजार आठ सौ नवासी किलोमीटर की मनसूबाबंदी हो चुकी है जिसमें दो हज़ार किलोमीटर के ऊपर इस वक्त काम शुरू हो चुका है दो हज़ार प्लस के ऊपर जो अभी है वो प्रोग्रोमेंट स्टेज के ऊपर है इसके साथ साथ हमने तमाम अपनी शाहरा की जी आई एस मैपिंग भी मुकम्मल कर दी हमने अपने जो पाकिस्तान पोस्ट की अगर हम बात करें तो बड़ी चीज़ें जो दो पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ हैं वो एक ये है कि चौरानवे हमारी बेंदला क़ौमी रैंकिंग थी 94th हम 62वें पे आ गए हैं मतलब 62 नंबर पे हम बेंदला क़ौमी रैंकिंग में हमने 32 दर्जे बेहतरी हमारी आई है इसके साथ-साथ जो फेटअप के हमारे ऊपर तलवार थी 13 ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर थे उसके हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लायंस किए और आगे भी कर रहे हैं लेकिन तेरह साल बाद को बताना चलूँ पाकिस्तान पोस्ट खसारी से निकल आ चुका है अभी एन एच ए और पोस्टल सर्विस जम भी हो चुके हैं एक मिनिस्ट ये एक ये एक मिनिस्ट्री कम्यूनिकेशन ये, ये, एक 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 ये मुख्तु अटैच इनके डिपार्टमेंट्स हैं एन एच ए हो गया पाकिस्तान पोस्ट हो गया मोटर वे पुलिस हो गया तो ये मुख्तलि डिपार्टमेंट्स हैं कितना खुश हैं कि आपके ये जो वर्कर्स सामने बैठे हुए हैं आपकी परफॉर्मेंस और इनकी मुश्तर परफॉर्मेंस है इनकी सैलरी भी बढ़ने वाली है देखिए मैं जाहिर सी बात है ये अल्लाह का निज़ाम जजा सजा के ऊपर कायम और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने जजा सजा के एक निजाम यहाँ पर कायम किया जाहिर सी बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जितनी भी एम्प्लॉयज है आ, उनको जो रिवार्ड किया जा रहा है एवार्ड दिए जा रहे हैं इससे इनकी हौसला अफजाई होगी ये मजीद आगे बेहतर काम करेंगे और जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूशन तो इन्होंने करनी है पोलिटिकल लीडरशिप एक विजन देती है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें पहले दिन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटिबिलिटी और अकाउंटिबिलिटी के मत में 22 अरब हम रिकवर कर चुके हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो रेवेन्यू इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ हमारा ये अस्टेरिटी ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था उसके ऊपर अमल पेरा हुए इदारों को खसारे से निकालना था एक इदारा ये भी पाकिस्तान पोस्ट तेरह साल बाद ये माली साल जो गुजर रहा है इसमें हम खसारे से निकल आ चुके हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था यहाँ पर जो पोलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने उसको आगे लेके गए और एग्जीक्यूशन जो थी वो हो, हमारे जितने यहाँ पर काम करने वाले हैं उन्होंने एग्जीक्यूट किया इसके साथ साथ मैं कौम को भी बताना चलूँ कि न सिर्फ ये बल्कि आइंदा जो हमारे पौने दो साल है वो और फिर अगले पांच साल और दस साल का कि हम रहे ना रहे लेकिन हमने इन इदारों को ऐसी डायरेक्शन देनी है कि पता हो मतलब इस तरह ना हो कि आप अगर अब सड़कों की अगर हम बात करें तो उसमें आपने सड़कें उतनी बनानी है अपनी आमदन से बनानी है यह हमारे विजन है और फिर इसके साथ साथ आपने रीजनल कनेक्टिविटी टूरिज्म को फरोख फिर फार्म टू मार्केट फिर आपने इंडस्ट्रीज को यह आपने यकीन बनाना है फिर रीजनल कनेक्टिविटी उसको भी यकीन बनाना है फिर इस तरह पाकिस्तान पोस्ट है इदारे का अगर पुराना सिस्टम नाकारा हो गया या खत्म हो गया तो आप जिद्दत लेके आए जिस तरह

मिलकर काम कर रही है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। आ, इस तरह अगर आप देखें जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो मीषत आपकी में थी डिलीवर उन्होंने कर दिया जो कोविड आया तो एक सदी सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस था दुनिया आज मांग रही है मान रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो ब्लूमबर्ग हो वर्ल्ड बैंक हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो तमाम इदारे पाकिस्तान की जो फाइव पॉइंट थ्री सेवन परसेंट जी डी पी ग्रोथ हमारा है उसकी तारीफ हो रही है कोविड के बाद जिस तरह हमने हैंडल किया उसको जिस तरह टैकल किया उसकी तारीफें हो रही है जिस तरह टेररिज्म से हमने टूरिज्म का सफर तय किया जिस तरह ऊुर्बत के खात्मे के लिए एहसास शुरू कर दिया जिस तरह पान दिया या बाद हम यहां पे डैम बना रहे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की कहते में अगर हम गहराई में चले जाए और हम सारी चीजें देख लें तो हर इदारे

और जो आपके अटैच डिपार्टमेंट से ये मिल के तय करते हैं तो शायद वो आगे और बेहतर परफॉर्म कर सके लेकिन ओवरऑल अगर हम मुल्क को देखें तो एक सही और दुस्त शंक में जा रहा है मैंने आपको बड़ी चीज़ें बताई कि जो इस वक्त इदारे में रिफॉर्म्स का एक अमल शुरू है आ, और जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट था हमारा उसमें तो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं हर क्वार्टर के हर क्वार्टर में जो अरबाब शहजाद साहब के पास ज़िम्मेदारियाँ है उनकी वजारत होती है साथ में

95 परसेंट से ज्यादा 95.2 परसेंट तक इन्होंने अपने जो टारगेट्स थे उनको मुकम्मल किया जिसकी वजह से यह अवार्ड इन्हें दिया गया है बाकी भी मिनिस्ट्रियां हैं जिन्होंने 80 परसेंट से ज्यादा अपने टारगेट्स को पूरा किया लेकिन वो उनका नाम टॉप टेन की फहरिस्त में नहीं आया तो टॉप टेन की लिस्ट में आने के लिए आपको मोर देन एट्टी परसेंट तक अपनी कारकरी दिखानी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिग्नेचर के साथ ये अवार्ड दिया गया है तो जनाब मुराद सईद की गुफ्तु आपने सुनी उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि टॉप टेन गुजरा तो ये हो गए लेकिन जो बाकी गुजरा है क्या उनकी कारकरी अप टू द मार्क नहीं है जैसे फवाद चौधरी हो गए एक दो और भी गुजरा है उस्मानदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब की वजारत में यानी वजारत इतला में मैंने इतनी तेजी से असलाहत बहुत कम देखी हैं यानी सरकारी टेलीविजन बैक टू बैक एच डी नशरियात पर मुंतकिल हो रहे हैं जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुए थे यानी पी टी वी भी एच डी पर हो गया फिर आपकी ए पी पी पूरी एजेंसी को डिजिटलाइज कर दिया गया फिर पहला स्पोर्ट्स सरकारी टी वी चैनल जो है पी टी वी उसको भी एच डी पर मुंतकिल कर दिया गया सरकारी इश्तहार की जो तकसीम का तरीकाकार है उसको बड़ा बैलेंस किया है और भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हो रहा है आई डोंट नो वाई के आ, फवार चौधरी इन टॉप टेन मिनिस्ट्रीज में रैंक नहीं कर सके उस्मान डार को मैंने बहुत बैक टू बैक भाग दौड़ करते हुए देखा है इस वक्त भी वो कराची में हैं और कामयाब जवान प्रोग्राम को जिस तरह से लीड करते जा रहे हैं आई नो कि आप लोगों के तहफात था हैं कि पैसे नहीं मिल रहे कर्ज़ नहीं मिल रहा बट बैक एंड पे सारा बैंकों का मसला है जो मिनिस्टर की हद तक या मिनिस्टर ऑफिस की हद तक जो इंगेजमेंट है मैं उनको विटनेस कर चुका हूँ इसलिए मुझे लगता है कि वो भी डिज़र्व करते थे लेकिन जो कुछ ऐसे गुजर रहे है, जो काम कर रहे हैं मतलब यहाँ पर मेरे हाथ में लिस्ट है ये तकरीबन कोई तेईस वजारतें हैं लेकिन इनमें से दस तो ऐसी हैं जिनका नाम आ गया लेकिन बाकी वजारतें कौन सी हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ टेन मिनिस्ट्रीज़ के नाम तो हो गए एलिंथ नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी साहब की वजारत इसमें रैंक नहीं कर सकी फिर मिनिस्ट्री ऑफ़ पार्लिमानी अफेयर्स है बाबर अवान साहब अच्छा काम कर रहे हैं पार्लीमानी अमूर में जितना पार्लियामेंट का सेशन है जॉइंट सेशन है जो कुछ भी होना है लेकिन उनकी वजारत भी नहीं रैंक कर सकी फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफ़ेंस है वजारत दिफा के मामला थोड़े नाजुक लग रहे हैं

मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस है अब ये भी मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रही है लॉ एंड जस्टिस में कुछ बेहतरी अब होने लगी है कल मैंने उनका फ़ारूक नजीम साहब का एक इंटरव्यू भी देखा कि जो मुकदमा विरासती मुकदमा कोई 10-12 सालों में होते थे वो दो हफ्तों के अंदर होने लगे हैं और जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा कानून बनाने के बाद तो बारह चौदह हज़ार मुकदमात निपटाए भी जा चुके हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर इनकी शफकत है, की है लेकिन उनकी दूसरी वजारत आ गई है उसमें टॉप टेन में फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यानी वजीम फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और कर्जों का जो मामला इस वक्त चल रहा है फिर इस्टिशमेंट डिवीज़न उनसे मुतमिन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उसमें कोई ख़ास काम अभी तक होता नज़र नहीं आया एम एल वन मनसूबा भी अभी तक ऐसी पेंडिंग है फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ये मोना से साहब को दी गई है लेकिन आ, कुछ वहाँ से इतना प्रोडक्टिव किस्म का हो नहीं रहा डैम्स बन रहे हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनका कोई इनपुट है इसमें इतना ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्कोटिक कंट्रोल ये ब्रिगेडियर साहब के पास शायद चली गई है और इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न तो ये वजारतें हैं जिनकी कारदगी 80 परसेंट या अब 80 परसेंट हैं लेकिन ये टॉप टेन में फॉल नहीं कर रही तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज तक के लिए इतने अपना ख्याल रखे खुदा हाफिज़